Open your eyes. Here you are. देखिए ना तिवारी जी, इतनी खूबसूरत लेडी को कार्टून बना दिया। आप हमसे कह देते, हम आपका इतना बढ़िया कार्टून मतलब तस्वीर बनाते कि आप देखती रह जाती। उठाइए ब्रश और बनाइए मेरी तस्वीर। हमें तो पेंटिंग का प भी नहीं आता। हमको तो पता ना ही था कि लड्डू के भैया चित्रकार हैं। भाभी जी, आप आज रात को लड्डू के भैया से कहिए कि वो आपकी पेंटिंग बनाएंगे। दिखाइए हमको। इसका चेहरा तो हमसे बिल्कुल भी ना ही मिल रहा है। काहे पगली, की मॉडर्न आर्ट है और मॉडर्न आर्ट ऐसा ही होता है। कितना अच्छा पेंटिंग बनाए आप। आप ये चाहते हैं कि मैं भाभी माँ की पेंटिंग बनाऊं और सारा क्रेडिट आप ले लें। तिवारी जी शुरू करें। सक्सेना का बच्चा कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं? मैंने कहा भाभी जी। हाँ, अरे अरे रिया, रिया भरभूति जी कहाँ है, इतना चिल्ला रहे हैं, वहाँ कपड़े धो रहे थे। भाभी जी, कल हमने आपसे कुछ कहा था, याद है आपको? क्या कहे थे? ये कि लड्डू के भैया से अपनी पेंटिंग बनवाइएगा। हाँ, तो हम उनसे अपना पेंटिंग बनवा लिए हैं। अच्छा, आपने बनवा ली? तो दिखाइए। बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाए हमरा। तो दिखाइए ना। आप यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं, रुकिए। हाँ, अगर इस कच्चे बनियान ने कहीं अच्छी पेंटिंग बना दी तो अंदर तो मेरा जीना हराम कर देगी यार। देखें बनाया क्या इसने। ये देखिए। आप बस कह रहे हैं तो लड्डू के भैया ने ये पेंटिंग बनाई है आपकी? हाँ, हाँ हमरा ही तो बनाए हैं। देखिए ना, ये दुई 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 ठो आँखें और ये नाक, ये होंठ, ये कान, ये पीछे कौवा भी उड़ रहा है। हाँ, आई कैन सी दैट। भाभी जी, लड्डू के भैया ने पेंटिंग नहीं बनाई है, आपको बेवकूफ बना है। क्या बात कर रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ भाभी जी। अब देखिए ना, ये किस एंगल से आपका चेहरा लग रहा है। ऐसे छिड़क हुए तो दूसरी तीसरी में बच्चे बनाया करते हैं भाभी जी। क्या बात कर रही हैं आप? दिस इज तो आई मीन व्हाट। क्या बोल रहे हैं आप? हमरी का चुनाव ही समझ आ रहा है भाभी जी। मुझे आपसे ज्यादा की उम्मीद तो नहीं है, फिर भी इतनी उम्मीद रखता हूँ कि आपको इतनी समझ तो होगी कि ये जो पेंटिंग है, ये जो शक्ल बनाई है लड्डू के भैया ने, ये आपकी नहीं है। देखिए, अब ये ऐसी गोल बंटे की तरह आंखें हैं आपकी? नहीं। ओके, ये गोल, ये लाल कद्दू की तरह ये बॉडी है आपकी? नहीं। जो ये लड्डू के भैया ने दांत बनाए हैं आपके, जरा गौर से देखे हैं आपने? इट्स लाइक चुड़ैल। बिल्कुल नहीं। तो भाभी जी, आपने क्यों बिलीव कर लिया कि ये शक्ल आपकी है? हम लड्डू के भैया बोले रहे कि तुम्हारा पेंटिंग है। अगर लड्डू के भैया भैंस को बकरी कहेंगे तो क्या बकरी मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो सही मानो में लड्डू के भैया आपको बौगम समझते हैं, नंबर वन बौगम। आने दीजिए लड्डू के भैया को, जमकर कमर लेंगे उनका, छोड़ेंगे ना। भाभी जी, क्या कर रही है आप? चाकू है, खून निकल आएगा इससे। नहीं, ये रखिए, ये लीजिए, एक मिनट, ये लीजिए, इसे का दो डिफरेंट साउंड निकलेगा। जुन, 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 टोंग। अच्छा, कब पेंटिंग बनाया? हमरा छोड़ेंगे ना ही उनको, दिखाएंगे आज का है हम। दारी जी, अभी तक नहीं बनी क्या पेंटिंग? भाई जी, बस फाइनल टच दे रहे हैं। दारी जी,
बताइए ना कैसी बनी है। एक मिनट भाभी जी, बिल्कुल आप देख सकती हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा अगर कॉफी हो जाए थोड़ा गला तर हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए कॉफी। नहीं देखना नहीं है भाभी जी अभी। नहीं देखूं जी। अच्छा चलिए ठीक है। भैया भाभी मैं खुश हो जाएगी बिल्कुल। ये लीजिए, बहुत ही शानदार बनी है। ऑल द बेस्ट। आई लाइक इट। भाभी जी कॉफी हो गई क्या? लाई जी। क्या हुआ तिवारी जी, पेंटिंग पूरी नहीं हुई क्या? पेंटिंग बिल्कुल तैयार है भाभी जी, ये देखिए। अच्छा आप पहले कॉफी लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तिवारी जी शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आपने मेरी पेंटिंग बनाई। भाभी जी ये तो हमारी साधना है। ये साधना नहीं है, आराधना है, कामना है। इनको पेंटिंग का पी भी नहीं आता है। कि क्या कह रहे हो तुम? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं आया हूं तो सबूत के साथ आया हूं। क्या 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 सबूत है आपके पास? ये सबूत है कि भाभी जी ने मुझे खुद अपने हाथ से दिए। कल रात को उन्होंने इनसे पेंटिंग बनाने को कहा था और इन्होंने भाभी जी की ये पेंटिंग बनाई। छी, इतनी घटिया पेंटिंग। तुम्हें इस पेंटिंग देख के लग रहा है कि ये कुछ फिराने के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तिवारी जी जी, ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी हाँ भाभी जी, हम ही ने बनाई है। आपने अंगूरी जी की इतनी बुरी पेंटिंग बनाई है? भाभी जी हमने आपसे क्या कहा था कि पेंटिंग हमारी साधना है। ये तो आपने मुझसे सुबह से 10 बार कहा है। जी भाभी जी, हमारे कहने का मतलब है कि ये पेंटिंग हम ही ने बनाई है लेकिन बिना साधना के। दरअसल अंगूरी किसी घटिया आदमी के बहकावे में आकर हमसे जिद करने लगी कि हम उसकी पेंटिंग बनाएं, तो हमने पेंटिंग बना दी, वो भी बिना साधना के। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं आपने मेरी भी इतनी बुरी पेंटिंग तो नहीं बनाई है। हम अपनी साधना की पेंटिंग बिना साधना के कैसे बना सकते हैं भाभी जी? खुद देख लीजिए, देखिए। मुझे तो ये देखने में बहुत टेंशन हो रही है विभू। तुम्हें देख लो, पहले तुमने मुझे कार्टून बना दिया था, पता नहीं इन्होंने क्या बनाया होगा। बेबी साथ में देखते हैं ना, ये देखो। बस भाभी जी यही तो हमारी साधना है। भाभी जी यू आर टू गुड। लाइए। ये साधना नहीं है तिवारी के बच्चे, कोई लोचा है जिसका पता मैं लगा के रहूंगा। और दरोगा जी क्या कर रहे इतनी रात को यहाँ पे? अरे कहाँ बताएं भैया विभूति, जैसे तो पुलिस की जो नौकरी है ना बड़ी झंझट वाली है, ना दिन में चैन ना रात में चैन। तो किसने कहा था आपको नौकरी करने को पुलिस की? छुरी चटनी का खोमचा लगा लेते। वैसे भी आपकी शक्ल को और आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता है। तुम यार एक तो हमारी पहले खोपड़ी खराब है, तुम और दिमाग खराब कर रहे हो। अब यार खरी खरी कहो तो बुरा लग जाता है आपको। तुम्हारी खरी गई घुइया के खेत में, तुम चुप रहो बस। अरे अच्छा हुआ दरोगा जी आप यहीं मिल गए, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। मास्टर जी क्या काम पड़ गया दरोगा जी से, कहीं आपके संस्कार चोरी तो नहीं हो गए? तुम में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारे पास तो कुछ नहीं मास्टर जी, सारे संस्कारों का ठेका आप ही के पास है। तब ठीक है, तो दिमाग ना खराब करो, शांत रहो थोड़ी देर। हम आशा तुम बताओ हमें काय के लाने ढूंढ रहे थे कहो गो? अरे क्या बताए दरोगा जी, एक नवाब ने हमें लूट लिया। तुम्हें कहां लूट लाओ, होटल में।
नहीं, झाकर कटी। अरे माता, झाकर कटी तो बड़ी खुली जगह है, तुम खुली में लुट गए। अरे क्या बताए, जब हम स्कूल से तनख्वाह लेकर लौट रहे थे ना, वो नवाब रास्ते में मिल गया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और मौका देखते ही हमारे तनख्वाह का बैग मेरे हाथ से झपट कर भाग गया। अरे दादा तुम यार, बताओ कैसे हुआ तू हुलिया बाको? ये आइडिया अच्छा है नवाब का। ओके की हकीकत का स्वेटर तो मैं नवाब बन के उधेड़ूंगा। ऑलराइट, लेट्स डू इट। भाई कोई है? मैंने कहा कोई है? एनीबॉडी होम? एनीबॉडी होम? अरे अरे दिया, आप कौन है अंकल? डोंट यू कॉल मी अंकल। अपने आशिक को जानेमन कहा जाता है गुलगुलजार। का बोले? हमने कहा आप कौन खूबसूरत बला है? हम अंगूरी बला हैं। हाँ, तभी तो आपको देख एक नशा सितारी हो गया है। का बोले? हमने कहा हम नवाब डेविड अली शाह हैं। वल शेख अब्दुल रहमान बिन ख्वाजा बिन सैयारा बिन तैयारा बिन मुसज्जर बिन तलीफिजून बिन तलाजा। आप कबाब हैं? छोटे से नवाब हैं। सही पकड़े हैं। हाँ तो आप कहाँ के नवाब साहब हैं? हम इश्कपुरा के नवाब हैं। इशाकपुरा कहाँ है? ये हुस्नगंज के एकदम सामने। अभी हुस्नगंज कहाँ है? आशिक गली के बगल में। ये सब नाम हम कभी ना ही सुने हैं। वो इसलिए क्योंकि आप खुद बॉडम गंज में रहती हैं। का बोले? How would like to meet your husband? Where is your husband? Here is her husband. Very sad looking husband. हम आपके लिए चाय लाते हैं। हाँ। आपकी तारीफ। वल हमर नाम है जनाब नवाब डेविड अली शाह। वल शेख अब्दुल रहमान बिन ख्वाजा बिन सैयारा बिन तैयारा बिन मुसज्जर बिन तलीफिजून बिन तलाजा। वाह, काफी बड़े नवाब हैं। हम छोटे से नवाब हैं। और हमने आपके बारे में बहुत सुना है। यस, आई एम मनमोहन तिवारी। ओह रियली? यू आर मनमोहन तिवारी? हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ही कमजोर्फ और जलील किस्म के आदमी हैं। जी, क्या 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 कहा? लेकिन कमाल के पेंटर हैं। यू पेंट वेरी वेल। जी, ये बात तो सही है कि वाकई हम ए ग्रेट पेंटर हैं। लेकिन यार, हमारी पेंटिंग के जलवे क्या लखनऊ तक पहुंच गए? कुछ कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप फरमाइए। Well, हमें अपनी बेगम की एक पेंटिंग बनवानी है। And I'm in love with her, you know? ठीक है, लेकिन हमने पेंटिंग वेंटिंग बनाना तक दरअसल फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। Well, आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको इस पेंटिंग के 10 लाख रुपए दे सकते हैं और ऊपर से हम आपको नजराना भी देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। लाल जी फंस गया जी। Well, I'll give you the money. Hold it. नेफा सर नीचे बना दिया उसने। नेफा, हम मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये चेक है 5 लाख का एडवांस। धन्यवाद। और ये हमारी 18वीं बेगम की तस्वीर है। I love you, Masurar. वाह वाह। आहा, आपकी बेगम तो वाकई बहुत हसीन है। हमारी बेगम को जो भी गंदी नजरों से देखता है तो हम उसकी आंखें फोड़ दिया करते हैं। माफी चाहेंगे, बस कल ये तस्वीर ले जाइएगा पेंटिंग। Alright, thank you so much, and it was pleasure meeting you. जी धन्यवाद। सुनिए,
ये आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रहे हैं जबकि नवाब तो खाली उर्दू बोलते हैं। एक्चुअली क्या था कि पुराने वक्तों में हमारे दादा और परदादाओं का जो है अंग्रेजों के यहाँ बड़ा आना जाना हुआ करता था और अंग्रेजों का हमारे घर में बड़ा आना जाना हुआ करता था। ओहो, मतलब अंग्रेजों के साथ मिलीजुली सरकार की पैदाइश है आप। हाउ ब्रिटिश ऑफ मी। आइए बैठिए, चाय पीजिए। ऑलराइट इफ यू इंसिस्ट। बिल्कुल बैठिए। थैंक यू। सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी। आई लाइक इट। अरे भैया, मेरे यहाँ क्यों मर रहे हैं आप? क्या कहा? मैंने कहा भैया कि आपका काम तो हो गया, क्या लेने आए हैं? अरे काम तो हो गया लेकिन और काम बढ़ गया। समझा नहीं मैं। वो क्या है कि हमने जो भाभी जी की तस्वीर बनाई थी ना। आपने बनाई थी? हाँ आपने बनाई थी। मैंने बनाई थी? आपकी औकात नहीं है कैसी तस्वीर बनाए आप? हाँ 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 यार, आप ही ने बनाई थी तो वो जो तस्वीर थी ना भाभी जी ने वो सोशल मीडिया पर डाल दी। सोशल मीडिया? आई लाइक इट। फिर तो फिर क्या, वहाँ से लखनऊ के किसी नवाब ने उसे देख लिया। लखनऊ का नवाब? आई लाइक इट। फिर वो नवाब हमारे यहाँ आए और अपनी ये बेगम की तस्वीर हमें दे गए। आई लाइक इट। बड़ी हसीन है इसकी बेगम है? अब उनका कहना है कि हसीन बेगम की तस्वीर हम बनाएं। ओह, तो बना दीजिए आप। अरे हमें बनानी आती तो आपके पास आते। मुझे पता है आप नहीं बना सकते। आपको चाहिए कि फ्री में मैं उसकी बना दूं तस्वीर, है ना? और वो बंदा खुश हो जाए, आपने जरूर मोटी रकम ली होगी उससे। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे कुछ लेना देना उससे नहीं है, मुझे तो बस नंगी तारों के झटकों से मतलब है। बस तो ठीक है, आप उसकी खूबसूरत तस्वीर बना दीजिए, हम आपको चप्पल में कांटे डाल के धोएंगे। चप्पल में कांटे? नहीं, आई लाइक इट। भैया आप समझिए कि ये तस्वीर बन गई। ओके, आप जाइए और कटीली चप्पल का इंतजाम कीजिए। ठीक है। ओके हाँ। हमने कहा घर में कोई है? कोई है घर में? एनीबॉडी होम? एनीबॉडी होम? आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे यार, नवाब साहब आए हैं। हेलो। लड़के भैया जल्दी आइए, नवाब साहब आए हैं। भाई किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है मोहतरमा, कम से कम हमारी आंखों की गागर को अपने दरियाए हुस्न के आप से तर तो हो जाने दीजिए। दरिया? लेकिन यहाँ कहाँ है दरिया? भाई क्या खूब कहा, या कहाँ है दरिया? अरे दरिया हमसे पूछ रहा है कि कहाँ है दरिया। वाह क्या बात है। क्या बोले? अरे अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, आइए आइए। तो अभी आना था। देखिए कौन आए हैं। ये कौन जनाब है? नवाब साहब है, नवाब साहब। अखा, नवाब साहब, आइए आइए, स्वागत है आपका। भाई जनाब तिवारी साहब जी, हमारी बेगम की तस्वीर क्या तैयार हो गई? जी बिल्कुल तैयार हो गई, और इस बार आपकी बेगम की तस्वीर हमने ऐसी बनाई है कि आज तक किसी भी चित्रकार ने ना बनाई होगी। भाई वाह सुभान अल्लाह। वैसे एक्चुअली तिवारी जी सच में बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हैं, उन्होंने मेरी भी बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, स्वागत है आपका, स्वागत है। भाई अगर ऐसी बात है तो भाई हम आपको ऐसा इनाम देंगे कि आज तक किसी ने भी किसी फनकार को ना दिया होगा। जी पहले अपनी तस्वीर तो देख लीजिए अपनी बेगम की। जी बेगम में नुक्ता नहीं, इधर लाइए। बेगम? जी बेहतर। भाई वाह, भाई सुभान अल्लाह, भाई बेहतरीन, बड़ी उम्दा, बड़ी सलीस। आंखें फटी की फटी रह गई ना आपकी नवाब साहब। हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आपने कैनवास पर हमारी बेगम को सुला सा दिया। उसको आप जिंदा कर लाए हैं कैनवास पर। शुक्रिया। हम इस तस्वीर के आपको पूरे 15 लाख देंगे। 5 लाख दे चुके हैं और हम 10 लाख आपको चेक दिए देते हैं। 15 लाख? जी। जरा पकड़ेंगी मोहतरमा इसको।
ये लीजिए, ये 10 लाख का चेक जाने दीजिए। वाह वाह नवाब साहब, धन्यवाद, आपने हमारी हौसला अफजाई की। अब ये जो आपने हमारी हौसला अफजाई की ना, इससे हम और बेहतरीन तस्वीरें बनाएंगे। माफी चाहूंगा, अब आप और तस्वीर बना ना पाएंगे। आपने तस्वीरें जो बनानी थी वो बना डाली, अब आप हमारी बेगम की तस्वीर के बाद कोई ऐसी तस्वीर बनाएं जो कि हमारी बेगम की तस्वीर से बेहतर हो, हम बर्दाश्त ना कर पाएंगे। आपका मतलब नहीं समझे क्या? मतलब बड़ा आसान है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम आपके दोनों हाथ काट लेंगे। आप एक कलाकार से उसके हाथ कैसे छीन सकते हैं? ये तो नवाबों का उसूल और शौक है मोहतरमा, ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे लिए जो कुछ बनाता है हम उसके हाथ काट के संदूक में रख लेते हैं। भाई देखो क्या है कि एक मूर्तिकार ने हमारी बेगम की मूर्ति बनाई, हमने उसको पैसे फेंके और उसकी आंखें निकाल ली। हमारी जो 12वीं बीवी है ना, उसके बच्चे उसे गोटियां खेलते हैं। नहीं नहीं नवाब साहब, आप हमने लड्डू के भैया के हाथ ना ही काटे और बिना हाथ के बिल्कुल अच्छे ना ही लगेंगे। देखिए मोहतरमा, हाथ तो हम काटेंगे, हमारा शौक भी है और हमें बड़ा मजा भी आता है। तो पकड़े इसको। शुक्रिया। अरे सुनिए, हमने 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 कोई आपकी बेगम की तस्वीर नहीं बनाई, वो तो इन्होंने बनाई। आई लाइक इट। आप हाथ काटने के डर से झूठ बोल रहे हैं तिवारी जी, आपके हम हाथ काटेंगे? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हमने आपकी बेगम की तस्वीर नहीं बनाई, भाभी जी माफ कीजिएगा, हमने आपकी भी तस्वीर नहीं बनाई। अरे यार आप बोलते काहे नहीं है? हाँ ये नवाब साहब ये सच कह रहे हैं, वो दोनों तस्वीरें मैंने ही बनाई। What? हमें माफ कर दीजिए भाभी जी। अनु बिल्कुल भी माफ मत करना इस घटिया आदमी को, बिल्कुल भी नहीं। विभो तुम हो? Yeah. इतनी देर से सोच रही हूँ, ताड़ी नोच लो तुम्हारी। मरबूति जी वैसे आप जज रहे हैं नवाब के रूप में। भाभी जी you like me? I mean, this कपड़े में? How about a date? Never mind. भभूति जी आप? जी मैं, और आपका जो कलाकार है ना, इसको एक्सपोज करने का ये तरीका था मेरे पास, समझे आप? ये जो आपका गेटअप है नवाब का, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर इस गेटअप में मैं एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाऊं, तो क्या आप अपनी इस चमकती शानदार तलवार से मेरे दोनों हाथ काट देंगे? बेशक। आई लाइक इट।